हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका ई लर्नम के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्विक रिकॉलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टॉपिक्स बाय माइंड मैप सीरीज। यस, ई लर्नम पे हम लेके आ रहे हैं क्विक रिकॉलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टॉपिक्स बाय माइंड मैप सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में क्या होगा, बहुत सारे वीडियोज आएंगे एक के बाद एक, जो कि बिलोंग करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, और उनको हम बहुत ही कॉन्साइज वे में, बहुत ही स्मार्ट वे में, एक समराइज फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओवरव्यू नहीं होगा किसी भी टॉपिक का, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओवरव्यू नहीं होगा, और बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वे में होगा, ताकि हम क्विक रिकॉल कर सकें किसी भी टॉपिक को, बहुत जल्दी रिवाइज कर सकें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, तो आज हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से शुरू कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात हो तो सबसे पहले जो टॉपिक शुरू में आता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो बेसिक है वो न्यूक्लिक एसिड है ना। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, और वो हम समझेंगे बहुत ही ईजी वे में, और जस्ट 1 मिनट वे में। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है न्यूक्लिक एसिड पे माइंड मैप। ठीक है, तो एक बार हम इसको देखते हैं कि ये कैसे है ना। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा जो स्टेम टॉपिक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बात किया था कि जो मेन टॉपिक होता है, मेन स्टेम होता है, वो बीच में होता है, मिडल में होता है। तो हमारा मेन टॉपिक जो न्यूक्लिक एसिड है वो यहाँ पे बीच में है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किसने की थी, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर की थी फ्रेडरिक मिशर ने। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, अब इसको इन्होंने डिस्कवर कहाँ किया था, कौन से सेल्स में किया था, किस टाइप के सेल्स में किया था, तो वो हो जाएगा हमारा सोर्स ऑफ फाइंडिंग। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फाइंडिंग में क्या जाएगा, न्यूक्लियाई ऑफ फर्स्ट सेल हम लिखेंगे, सोर्स ऑफ फाइंडिंग में न्यूक्लियाई ऑफ फर्स्ट सेल। जी हाँ, ये जो न्यूक्लिक एसिड है उनको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने, और किन सेल्स में डिस्कवर किया था, न्यूक्लियाई ऑफ फर्स्ट सेल्स में। ठीक है, तो पहले जब इनने इसको डिस्कवर किया था, न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था, तब इनने इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। ठीक है, न्यूक्लिन, तो न्यूक्लिन नाम था न्यूक्लिक एसिड का, पर इसका नाम न्यूक्लिक एसिड कैसे पड़ा, न्यूक्लिक एसिड का नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा उसके एसिडिक नेचर की वजह से। ठीक है, उसके एसिडिक पीएच की वजह से हमने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड बना दिया। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड इज लेटर कॉल्ड न्यूक्लिन, लेटर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसके पास एसिडिक नेचर है। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे, न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये चेन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के चेन्स होते हैं, ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और किससे जुड़े रहते हैं, किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं, तो वो बॉन्ड होती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आपस में दो न्यूक्लियोटाइड किसके थ्रू जुड़े होते हैं, वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, एक अब हम इतना समझ गए कि न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने, वो डिस्कवर हुआ था न्यूक्लियाई ऑफ फर्स्ट सेल्स में। ठीक है, और इसका पहला नाम था न्यूक्लिन, और न्यूक्लिन को बाद में न्यूक्लिक एसिड कहा गया, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो बने होते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, और ये जो चेन होती है उसमें दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से, किसकी हेल्प से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स की हेल्प से। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड भी जो होता है वो छोटे छोटे कंपाउंड्स से मिलके बना होता है ना। तो न्यूक्लियोटाइड के जो होते हैं तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो होता है पेंटोस, जो पेंटोस शुगर होता है, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा होता है फॉस्फेट। ठीक है, तो हमने अब इसको इस माइंड मैप के सीरीज को और इसकी ब्रांचिंग बढ़ाएंगे, और ब्रांचिंग में क्या बढ़ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो बनी होती है एक पेंटोस, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट से। ठीक है, अब ये पेंटोस किस तरह के होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो जो बहुत मेन होते हैं वो डीएनए और आरएनए दो होते हैं ना। तो जो डीएनए आरएनए दोनों में जो शुगर, पेंटोस शुगर पाई जाती है वो क्या है, राइबो शुगर है और डीऑक्सीराइबो शुगर है। ठीक है, जो डीऑक्सीराइबो शुगर होता है वो राइबो शुगर का ही डेरिवेटिव होता है। ठीक है, सेकेंड पोजिशन से जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाता है तो वो हो जाता है
टी डी ऑक्सी राइबोस, ठीक है। तो दो तरह के पेंटोस शुगर पाए जाते हैं, कौन कौन से? राइबोस एंड डी ऑक्सी राइबोस के। तो ये दोनों ही क्या होते हैं? फाइव कार्बन शुगर के होते हैं, फाइव कार्बन शुगर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब जो राइबोस होता है, राइबोस में चार ओएच ग्रुप होते हैं, जैसा कि लिखा है अब नेक्स्ट ब्रांच में कि फोर ओएच ग्रुप होते हैं। तो राइबोस में फोर ओएच ग्रुप होते हैं, कौन कौन सी पोजिशन पे? वन टू थ्री फाइव, फोर ओएच ग्रुप होते हैं वन टू थ्री फाइव पे, ठीक है। और ऐसे ही डीऑक्सीराइबोस भी क्या है? वो फाइव कार्बन शुगर है, फाइव कार्बन शुगर है। तो और इसका जो सेकंड पोजीशन का ओएच है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि राइबोस में क्या है, चार ओएच है, तो यहाँ पे कितने ओएच है? तीन ओएच है। इसका जो ये चार ओएच ग्रुप में वन टू थ्री फाइव चार पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस में क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोस में जो सेकंड पोजीशन का है ओएच ग्रुप, वो रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन एटम से। तो यहाँ पे कितने ओएच ग्रुप बचेंगे? तीन ओएच ग्रुप बचेंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो ब्रांचिंग को हम और आगे बढ़ाएंगे। ब्रांचिंग को आगे बढ़ाया तो हमने क्या बताया कि नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, ठीक है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। अब पायरिमिडिन कितने होते हैं? थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल। एंड प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। अब हम बात करें, क्योंकि अब ये एक माइंड मैप के बारे में बहुत शॉर्ट वे में, बहुत कंसाइज वे में एक क्विक रिवीजन हो गया है ना, तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत जरूरी है ना। तो ये है पेंटोस न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर, जो इसमें तीन कॉम्पोनेंट्स है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो पेंटोस शुगर से अटैच होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। ये जो पेंटोस शुगर होते हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस से किससे अटैच होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। और दो न्यूक्लियोटाइड किससे ज्वाइंड होते हैं? पीछे देखा था हमने, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड याद रखना कि जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर में बॉन्डिंग होती है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है, और जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्डिंग होती है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं जो पेंटोस शुगर हमने देखा था उसमें स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो दो शुगर थे, एक राइबोस था और एक डीऑक्सीराइबोस था। तो हम देख लेते हैं अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, कि इसमें जो है चार कार्बन एटम, वैसे तो पेंटोस शुगर है तो पांच कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो पहला है, अब इसकी नंबरिंग देखते हैं, पहला कार्बन यहां है, दूसरा कार्बन ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो ये क्या है? पांच कार्बन का शुगर है, ठीक, पांच कार्बन का शुगर है। अब इसमें ये जो पांच कार्बन है वो कैसे जुड़े हुए हैं? जो चार कार्बन एटम्स हैं, चार कार्बन एटम, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों एक रिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन एटम की हेल्प से, ठीक है। ऑक्सीजन एटम्स की हेल्प से ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के कार्बन एटम्स जो होते हैं एक रिंग स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। अब इसमें चार एच ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी पोजीशन पे? वन टू थ्री फोर, इन चारों ही पोजीशन पे एक एक एच ग्रुप होता है, आप देख सकते हैं ये एच ग्रुप है ना, एक, दो, तीन और ये चार, चार एच ग्रुप हैं जो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे अलाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इस राइबोस, ये राइबोस का माइंड मैप है ना, तो इसमें राइबोस में जो नेक्स्ट ब्रांचिंग है वो क्या है? चार ओएच ग्रुप है इसमें, वन टू थ्री एंड फाइव पोजीशन पे। तो हम देख सकते हैं कि चार ओएच ग्रुप्स हैं, पहला ये, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरा ये सेकेंड पोजीशन पे, तीसरा थर्ड पोजीशन पे और चौथा जो है वो फिफ्थ कार्बन एटम के साथ है, तो वो फिफ्थ पोजीशन पे। तो चार ओएच ग्रुप है, वन टू थ्री फाइव पोजीशन पे, और जो पांचवा कार्बन एटम है वो रिंग के अपवर्ड है ना, प्रोजेक्टेड है रिंग के अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको, जो राइबोस का स्ट्रक्चर है उसमें चार एच एटम्स है, ठीक है, ये चार एच एटम्स जो है वन टू थ्री फोर पोजिशन पे है, ठीक है, फाइव कार्बन शुगर है,
चार कार्बन जो पहले दूसरे तीसरे चौथे होते हैं वो रिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीजन एटम्स की हेल्प से, ठीक है। और जो चार OH ग्रुप है वो कौन कौन सी पोजिशन पे है, 1, 2, 3, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 5 पोजिशन पे चार OH ग्रुप है। अब बढ़ते हैं हम डी ऑक्सीराइबोस के बारे में। तो ये है डी ऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर, ठीक है। डी ऑक्सीराइबोस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है राइबोस के, बस एक डिफरेंस है। जैसे पहले हमने देखा था कि ये 5 कार्बन शुगर है, तो ठीक है ये भी 5 कार्बन शुगर है राइबोस की तरह। इसमें भी 4 कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से एक रिंग स्ट्रक्चर में, और सेम वही कार्बन एटम 1, 2, 3, 4 पोजिशन वाले आते हैं रिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन से बॉन्ड होके, ठीक है। यहां भी फिफ्थ कार्बन जो है, यहां भी फिफ्थ कार्बन जो है वो अपवर्ड प्रोजेक्शन में है, ठीक है। अब लेकिन यहां डिफरेंस है कि यहां हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो 4 की जगह 5 है। हाँ, तो हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो 4 की जगह 5 है। कौन कौन से पोजीशन पे, 1, 2, 3, 4 पोजीशन सेम है, 1, 2, 3, 4 लास्ट में भी था, इधर भी 1, 2, 3, 4 है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है। एक एक्स्ट्रा कहाँ है, ये जो सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन पे जो पिछली बार OH था वो रिप्लेस हो गया है हाइड्रोजन एटम से, ठीक है, हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस हो गया है। तो ये कितने OH बचे, 3 OH। कौन कौन से OH बचे, एक ये फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरा थर्ड पोजीशन पे और तीसरा फिफ्थ पोजीशन पे। तो 3 OH ग्रुप है 1, 3 और 5 पोजीशन पे, ठीक है। और जो सेकेंड पोजीशन का है वो रिप्लेस हो गया है H एटम से, और ये रिप्लेसमेंट किस एंजाइम की हेल्प से होती है, वो होती है राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। नाम से पता चल रहा है राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ठीक है, रिड्यूस कर रहा है OH, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये एंजाइम है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि राइबो शुगर की बात हो गई, पेंटोज शुगर की बात हो गई, तो अब जो बचा है वो बचा है हमारा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस में हमने देखा था कि दो तरह के हैं, एक पाइरिमिडिन है एक प्यूरिन है। जो पाइरिमिडिन है वो 3 तरह के हैं, थायमिन है, यूरेसिल है और साइटोसिन है, ठीक है। और जो वो प्यूरिन है उनमें 2 हैं, एडिनिन और ग्वानिन, ठीक है। अब ये जो पाइरिमिडिन है उसमें 3 है, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। इनके साइंटिफिक नेम देखो, थायमिन का नाम है 5-methyl-2,4-dioxypyrimidine, ठीक है। थायमिन का नाम क्या है, 5-methyl-2,4-dioxypyrimidine। और ये जो यूरेसिल है उसका नाम है 2,4-dioxypyrimidine। देख रहे हो कितना सिमिलर नाम है, जस्ट थायमिन में क्या है, आगे 5-methyl है, 5-methyl जो कि रिप्रेजेंट करता है कि थायमिन के स्ट्रक्चर में 5वें पोजीशन पे मेथिल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है। तो यस, थायमिन में क्या होता है, थायमिन के 5वें पोजीशन पे ये जो थायमिन का रिंग स्ट्रक्चर है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और ये 5वें पोजीशन पे क्या है, मेथिल है। और कार्बोनिल कौन कौन से पोजीशन पे, ये है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है 2 और 4 पोजीशन पे, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या रखा है, 5-methyl-2,4-dioxypyrimidine। तो यूरेसिल जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है स्ट्रक्चर में यूरेसिल के, बस डिफरेंस कहाँ है कि यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे मेथिल ग्रुप नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि थायमिन और यूरेसिल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे मेथिल ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब बात आती है साइटोसिन के। साइटोसिन का नाम है 2-oxy-4-aminopyrimidine, 2-oxy-4-aminopyrimidine। अगर हम इसका नंबरिंग करें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे 2-oxy, तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, सेकेंड पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, 4-amino, तो ये क्या है, 4-amino, फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, तो इसका नाम हुआ 2-oxy-4-aminopyrimidine, ठीक है। तो ये सिंपल है स्ट्रक्चर, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और अब बात आती है प्यूरिन्स की, ठीक है। प्यूरिन्स 2 ही हैं, एडिनिन और ग्वानिन, ठीक है, एडिनिन और ग्वानिन। जो एडिनिन का नाम है 6-aminopurin, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके 6ठे पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, 6ठे पोजीशन पे क्या है, अमाइनो ग्रुप है, तो इसका नाम है 6-aminopurin। ग्वानिन के साथ क्या है, ग्वानिन के साथ ये है कि इसके 2nd पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है,
और सिक्स पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा सिक्स ऑक्सी, क्योंकि सिक्स पे कार्बोनिल ग्रुप है तो सिक्स ऑक्सी और टू अमाइनो प्यूरिन। ठीक है, तो ये है कुछ जैसे न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं या डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं, तो डीएनए भी एक तरह का वही है न्यूक्लियोटाइड, है चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे ये पेंटोज शुगर है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि ये पेंटोज शुगर है, ठीक है, और ये फॉस्फेट बॉन्ड्स है और ये नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है और ये नाइट्रोजनस बेस है। तो यहाँ ये कौन सा बॉन्ड होगा नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर के बीच में, हमने पहली स्लाइड में बात करी थी, कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। और ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो दो स्ट्रैंड डीएनए के आपस में जुड़े हैं वो जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के हेल्प से। ठीक है, जो एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और जो गुआनिन और साइटोसिन के बीच में बनता है वो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया, उम्मीद है आपको ये जो क्विक रिकॉलिंग सीरीज है वो आपको पसंद आएगी, और सजेशंस के लिए कमेंट्स में अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।